नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा होंगे या नहीं, इस पर दो हफ्तों में निर्णय आ जाएगा। जेबीटी भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई का मामला दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास पहुंच गया है। दरअसल चौटाला की रिहाई को लेकर के शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर दो सप्ताह के भीतर फैसला देने को कहा गया। याचिका में ओम प्रकाश चौटाला की ओर से उम्र और दिव्यांगता का आधार बनाकर के जेल में रिहाई की मांग की गई। पिछली सुनवाई में एक जज ने यह कहते हुए खुद को मामले से अलग कर लिया था कि वे पहले चौटाला के वकील रह चुके हैं। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 7 साल और साजिश में 10 साल की सजा हुई। वहीं सरकार की पॉलिसी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर कैदियों को एक एक माह की सज़ा की छूट दी जाती है। 6 साल में 1 साल की छूट हो गई। अब इस हिसाब से 7 साल की सज़ा पूरी हो चुकी है, जबकि साजिश जैसे मामले में सरकार की पॉलिसी बनाई गई है कि यदि कोई कैदी 60 साल से उम्र में ज़्यादा है और दिव्यांग है तो आधी सज़ा काट चुका है तो उसे रिहा किया जा सकता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा इसी को आधार मान करके रिहाई याचिका लगाई गई थी रिहाई के लिए हाईकोर्ट में। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।